संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, बदमाश सहित पुलिसकर्मी हुआ घायल। अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चल रहा था चेकिंग अभियान, मुखबिर की सूचना पर बदमाश गिरफ्तार। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, मुठभेड़ में पुलिसकर्मी घायल हो गए। जवाबी फायरिंग में एक गैंगस्टर एक्ट का वांछित बदमाश के गोली लगी है। दोनों घायलों को संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घटनास्थल पर कॉम्बिंग जारी है। यूपी के संभल में थाना सदर कोतवाली क्षेत्र के चौकी मोहम्मदपुर टांडा संभल चंदौसी हाईवे रोड एंजेरा तिराहे पर एसपी निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण पाने हेतु चल रही चेकिंग के दौरान गैंगस्टर एक्ट में वांछित अखिल उर्फ छोटू बदमाश की पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली, जिस पर पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई। बदमाश ने अपने आप को घिरा देख पुलिस पर फायर झोंक दिए, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया, जिसके पास से एक मोटरसाइकिल तथा एक अवैध तमंचा बरामद हुआ है और पुलिस की ओर से जवाबी फायरिंग की गई, जिससे बदमाश अखिल की गोली जा लगे और मौका पाकर उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया। हालांकि घटनास्थल पर पुलिस अधीक्षक संभल यमुना प्रसाद पहुंचे हैं, जहां फरार बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस की ओर से लगातार कॉम्बिंग की जा रही है और घायलों को संयुक्त चिकित्सालय में इलाज के लिए भेजा गया है। घायल बदमाश पर कई आपराधिक मामले थाने में बताए जा रहे हैं। एक मुठभेड़ हुई है सर, अभी जो सर क्या मामला था पूरा? ये अंग्रेज तिराहा के पास में आज चेकिंग चल रही थी यहाँ पे जनपद संभल में, और इसमें सूचना मिली कि अंग्रेज तिराहा के पास में एक अपराधी आ रहा है, इससे घेराबंदी की गई, उसको रोकने का प्रयास किया गया, तो इसमें पुलिस पर फायर किया, जिसमें हमारा एक कांस्टेबल घायल हुआ और एक अपराधी घायल हुआ। उसका एक साथी मौके से भागने में सफल रहा, उसकी तलाश कॉम्बिंग जारी है, और जब ये बाद में पता किया गया तो ये अखिल सनाफ छोटू मदाला का रहने वाला गैंगस्टर एक्ट का वांछित अपराधी था। सीएसएफ में लगातार ये अपराध कर रहा था। अभी इसको हॉस्पिटल भेजा गया है और कांस्टेबल को भी हॉस्पिटल भेजा गया है। बाकी इसके साथ ही कॉम्बिंग जारी है। इस क्षेत्र में जितने अपराधी हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई जारी रहेगी लगातार। ठीक है।